नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सीखेंगे कैसे में पाइथन को इंस्टॉल करना है और कैसे हम पहला हेलो वर्ल्ड एग्जांपल डिजाइन कर सकते हैं। पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा python.org पे। तो हम चलते हैं python.org की वेबसाइट पे। यहाँ पे हमें डाउनलोड ऑप्शन दिखेगा। अब आपको डिसाइड करें कि आप किस प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करें। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, विंडोज, मैक और अदर प्लेटफॉर्म्स। अगर आप विंडोज़ पे वर्क करते हो तो विंडोज़ पे क्लिक करें। रिलीज 3 में लेटेस्ट वर्जन है 3.7.3, रिलीज 2 में लेटेस्ट वर्जन है 2.7.16। तो हम रिलीज 3 ले लेते हैं। डाउनलोड में आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, या तो जिप फाइल, या एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, या वेब इंस्टॉलर। हम एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर को चुनेंगे। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। 32 बिट के लिए सिंपली x86। अब कैसे चेक करेंगे कि सिस्टम 32 बिट या 64 बिट, इसके लिए आप जाएंगे माय कंप्यूटर या दिस पीसी पे। आप राइट क्लिक करेंगे, कहेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में शो हो जाता है कि आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट। जैसे मेरा सिस्टम 64 बिट है, तो हमने 64 बिट वर्जन को क्लिक कर लिया। अब डाउनलोडिंग में आपको परमिशन देनी है सेव फाइल की। मैंने क्योंकि ऑलरेडी अब डाउनलोड किया हो तो इसलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। और अब हम चलते हैं डाउनलोड वाले फोल्डर में। आपको इस फाइल पे सिंपली डबल क्लिक करना है। दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंस्टॉल नाउ या कस्टमाइजेशन। अगर आप डिफॉल्ट सेटिंग से सेटिस्फाइड हैं तो इंस्टॉल नाउ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहें तो कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कस्टमाइजेशन कर लेता हूँ। ये तीन ऑप्शन दिखा रहा है, डॉक्यूमेंटेशन, पिप, टीसील, टीके, इसको भी सिलेक्ट नहीं देते। पाइथन टेस्ट सूट, मेरे सिस्टम में पीवाई लॉन्चर पहले से इंस्टॉल्ड है और ऑल यूजर्स की सेटिंग्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसलिए ये डीएक्टिवेटेड है। फिर हमसे पूछा है कि आप पाइथन को एनवायरमेंट वेरिएबल्स में ऐड करना चाहते हैं या नहीं। हम ऐड करना चाहते हैं। एडवांटेज होगा कि हम किसी भी फोल्डर से पाइथन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है लोकेशन कि आप कहाँ पाइथन इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ये लंबी लोकेशन हटा के मैं इसे सिंपली देना चाहता हूँ C:python 37 या 37, जो भी आप कहना चाहें। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी एनवायरमेंट वेरिएबल्स में सेटिंग्स की हुई है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ। फिर इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के कंप्लीट होने का हमें वेट करना होगा। एक बार जब इंस्टॉलेशन हो जाए तो फिर हम प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम और लेगा ये। तो अब कंप्लीशन प्रोग्रेस तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। हमें सक्सेस मैसेज का वेट करना होगा। एक बार जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाएंगे जहां पे आपने पाइथन को इंस्टॉल किया हुआ। तो आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में python37 नाम का फोल्डर बन गया है। यहां पे एक फाइल है python.exe, आपको इस पे क्लिक करना है। या आप चाहें तो डायरेक्टली सर्च ऑप्शन में जाके भी पाइथन ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं। ऐसा करने पे पाइथन की इंटरेक्टिव विंडो ओपन हो जाती है। इंटरेक्टिव विंडो में डायरेक्टली हम कमांड टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने कहा प्रिंट और हमने कहा हेलो वर्ल्ड, या चाहे तो कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। प्रिंट फंक्शन में हम सिंगल कोट और डबल कोट दोनों यूज कर सकते हैं। इस शेल से बाहर आने के लिए हम लिख सकते हैं एग्जिट। अब यहाँ पे एक टूल अवेलेबल रहता है IDLE। हम चाहें तो IDLE का यूज करके इंटरेक्टिव प्रोग्राम भी डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे IDLE को ओपन कर लिया। अब
जो काम हम पाइथन शेल में करते हैं वही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा प्रिंट और फिर हेलो वर्ल्ड, तो मैं हेलो वर्ल्ड मिल गया। साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है फाइल देन न्यू फाइल, जिससे कि आप प्रोग्राम टाइप कर पाए और डायरेक्टली यहां से रन भी कर पाए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, फिर प्रिंट यू आर वॉचिंग। अब यहां पे हम लगा सकते हैं स्लैश इन लाइन चेंज करने के लिए, और फिर जैसे मैं लिख देता हूं कोड विद भूपेंद्र। अब आप देख सकते हैं हम मैंने सिंगल कोड डबल कोड दोनों यूज किए हैं। अब फाइल में जाके हम सेव कर सकते हैं, आप जहां चाहें वहां इस प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। तो मैं इसे डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूं और नाम दे देता हूं हेलो वर्ल्ड डॉट पी वाई। अब मेरे सिस्टम में इस नाम की पहले से फाइल बनी हुई है तो ओवरराइटिंग की परमिशन मांगेगा, तो मैं इसे ओवरराइट कर देता हूं। अब इसे हम रन मेनू में जाके रन कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मिल रहा है हेलो वर्ल्ड और फिर लाइन चेंज होकर में दिख रहा है यू आर वॉचिंग कोड विद भूपेंद्र। तो शुक्रिया दोस्तों मेरे इस प्रोग्राम को देखने के लिए।